बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने आपको अपने जन्माष्टमी फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मैं जो है आज जन्माष्टमी पे अभी को जो है काना बनाने वाली हूँ, तो उसकी जो ड्रेसेस वगैरह जो भी हम लेके आए थे वो मैंने आपको अपने फर्स्ट व्लॉग में शेयर कर दिया था। और जन्माष्टमी पे क्या क्या भोग बनाने वाली हूँ वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। तो अभी मैंने जो है खीर और पंजीरी बनाकर रख दी है और बाकी की अभी मैं बनाऊंगी बाद में। उससे पहले हम जो है अपने दोनों लड्डू गोपाल को करेंगे रेडी। अभी को भी रेडी करना है और अपने लड्डू गोपाल को भी रेडी करना है। और उसके बाद जो है फिर हम जाएंगे, यहीं मंदिर है वहाँ पर घूमने के लिए। तो वही सब इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं अभी तो सो रहा है। वैसे दिन में डेली सो जाता था लेकिन आज दिन में नहीं सोया और अब शाम को आकर सोया है। तो आधा पौन घंटा हो गया है इसको सोए हुए, तो थोड़ी देर में हम इसको जगा कर इसको रेडी करेंगे। तब तक जो है हम अपने लड्डू गोपाल को रेडी कर देते हैं, जो वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर हमने जो है सारी प्रिपरेशन की है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की हमने जो है डेकोरेशन की है और वहीं पर जो है हम अपने लड्डू गोपाल को भी रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने अपनी जन्माष्टमी की डेकोरेशन की है इस अलमारी में, और ऊपर ही हमारी जो है पूजा की अलमारी है। तो वैसे हर साल जो है मैं जन्माष्टमी की डेकोरेशन यहाँ नीचे चौकी लगा कर करती थी, लेकिन इस बार जो है अभी है तो वो सारा सामान उठा उठा कर इधर उधर फेंक देता, इसलिए इस बार जो है हमने डेकोरेशन यहाँ की है, जिससे कि सब कुछ सही से रहे, कुछ भी इधर उधर ना हो। और आपको मैं पूरी डेकोरेशन दिखा देती हूँ। यहाँ से है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने जो है जन्माष्टमी की डेकोरेशन की है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है लेकिन फिर भी जैसा हो पाया वैसा हमने किया है। आशा करूँगी कि आपको पसंद आएगा। तो कुछ इस तरह की हमारी डेकोरेशन है और ये है हमारे लड्डू गोपाल। तो चलिए इन्हें हम पहले रेडी कर देते हैं। ड्रेस वगैरह तो मैंने पहले ही पहना दी थी, तो ये ज्वेलरी वगैरह है थोड़ी जो हम अभी पहना कर तैयार कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम अभी को जगा कर अभी को भी तैयार कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर लेते हैं, और जब तक जो है हम अपने कुछ प्यारे व्यूअर्स के नाम भी ले लेते हैं। तो उनमें हैं सबसे पहले रचना मेहता जी, ज्योति अग्रवाल जी, नजराना शेख जी, नवनीत कौर जी, अमरजीत कौर जी, रोशनी अरोरा जी, टीकन साहू जी, योगेश इंसान जी, जुमाना लोखंडवाला जी, कविता भारती जी, सुचिता कुलकर्णी जी, नीरजा रानी जी, फरहाना ताज जी, दिलीप दुबे जी, एके जडेजा जी, सहदेव मुंडे जी, हर्षल कक्कर जी, उषा मरमात जी, राज केपी जी, विजय लक्ष्मी राठ जी, अपना चौपाल जी, राजीव तिवारी जी, यादव अर्चना जी, साहिस्ता परवीन जी। इन्हीं के अलावा कुछ नेम और हैं जो ये चैनल नेम है, ये खुद अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो इनके नेम हैं सूबीज किचन जी, उन्नति आर्ट एंड क्राफ्ट, उज्जैन व्लॉगर शमशाद, इंडियन वाइफ स्टाइल कुकिंग विद नीतू, पहाड़ी वाइफ व्लॉग्स और सुधा वर्मा व्लॉग्स, साथ में ज्योति आशीष जायसवाल व्लॉग एंड शॉर्ट। तो प्लीज़ आप सभी इनके चैनल पर एक बार विज़िट कीजिएगा और इन सभी को भी अपना प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो रेडी हो गए हैं, और साथ में जो अवि है वो भी जाग गया था, तो उसे भी मैं यहाँ पर जो है कपड़े पहना देती हूँ। और जब मैं उसे कपड़े पहना रही थी तो वो काफ़ी रोने लगा था, ये कपड़े शायद उसको अच्छे नहीं लग रहे थे। तो आप देख सकते हैं मैंने उसको दूध दे दिया है और वो दूध पी रहा है, और साथ में मैं जो है उसे तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी कुछ सोचा था कि अभी को अच्छे से रेडी करूँगी, उसका मेकअप वगैरह करूँगी, उसे अच्छे से काना की तरह जो है तैयार करूँगी, लेकिन वो इन कपड़ों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। और साथ में जो है उसको फिर से खुजली की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो एक दो दिन से परेशान कर रहा है, तो वो इसी वजह से परेशान कर रहा था। फर्स्ट डे तो पता नहीं चला था, जो दाने थे वो नहीं निकले थे, लेकिन सेकंड डे जो है हमने देखा तो उसकी बॉडी पर जो है काफ़ी दाने निकल आए थे, जिसकी वजह से वो परेशान कर रहा था। तो बस यही है, आज जन्माष्टमी थी इस वजह से हम उसको दिखाने नहीं गए, तो कल जो है हम उसको दिखाने के लिए जाएंगे।
तो यहाँ पर जो है मैंने उसे कपड़े पहना दिए हैं और वो काफ़ी रो रहा था, आप जैसा कि देख सकते हैं। मैंने उसे गोदी में ले लिया है, फिर जो उसके पापा हैं वो उन्होंने उसको ले लिया है और वो चले गए हैं उसको बाहर घुमाने के लिए कि शायद बाहर चुप हो जाए। और यहाँ जब तक जो है मैं बाबू को भी रेडी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी को मैंने रेडी कर दिया है और वो कितना रो रहा था आपने वीडियो में देखा ही। तो उसके पापा जो है उसे ले गए हैं मंदिर पर घुमाने के लिए, तो मैं भी अब वहीं जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये है हमारी राधा रानी ये भी तैयार हो गई है, ये भी अपने लिए ड्रेस लेकर आ गई थी कल जब अभी के लिए ड्रेस लेने भेजा था, तो ये भी अपने लिए लेकर आ गई थी। वैसे इसका कोई प्लान नहीं था, तो चलिए ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों की इच्छा है। तो हम चलते हैं अब मंदिर की तरफ। और आप देख सकते हैं मेरे घर के बाहर की ग्रीनरी, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं इस साइड है मंदिर, और ये जो बेल आप देख रहे हैं ये अंगूर की बेल है, गर्मियों में इनमें काफ़ी अंगूर आते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। पकते नहीं हैं बट खट्टे खट्टे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर जो है हस्बैंड अभी के साथ बैठे हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं ये है मंदिर। यहाँ पर भी जो है बगल वाले अंकल हैं, उन्होंने डेकोरेशन कर दी है। तो वैसे तो ये मंदिर जो है शिव जी का है, इसमें शिवलिंग रखा हुआ है, बट जन्माष्टमी पे यहाँ पर भी डेकोरेशन कर देते हैं थोड़ी सी, तो देखने में जो है काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो है मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, साथ में मैंने नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर जो है गाने बज रहे थे तो कॉपीराइट आ जाता, इस वजह से मैंने अलग से वॉइस ओवर किया है, साथ में नहीं किया है। और यहाँ पर भी जो है चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रीनरी है। तो यहाँ पर जो है अभी को हस्बैंड जो है चुप करा रहे थे, यहाँ पर भी वो काफ़ी रो रहा था, उसे बस घर जाने की पड़ी थी। और ये रही मेरी बाबू, आप देख सकते हैं। तो अभी की वजह से जो है फिर मैं बाबू को भी अच्छे से रेडी नहीं कर पाई, फिर मैंने उसका भी कोई भी मेकअप वगैरह नहीं किया, ना ही कोई ज्वेलरी पहनाई, बस उसे कपड़े पहना दिए थे। और यहाँ पर जो है अभी जो है इस टाइम थोड़ा चुप हो गया है, हस्बैंड उसको घुमा रहे हैं, लेकिन उसने पीछे देखा जो मंदिर पे बलून लगे हुए थे, उसने जब बलून देखे तो वो फिर आगे नहीं गया। आप देख सकते हैं किस तरह से वो अपने पापा को खींच रहा है, उसे बलून के पास जाना है, उसको बलून चाहिए। और जब उसको बलून के पास ले गए तो फिर बलून भी उसने नहीं लिया, बस थोड़ा सा देखा और फिर वो वहाँ से हट गया। तो यही है, वो जो है परेशान था दो दिनों से, तो इस वजह से उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, ना ही वो खेल रहा था। तो अब जो है हम चल दिए हैं क्योंकि वो घर की तरफ भागने को कर रहा था, उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसके बाद जो है फिर हस्बैंड जो है उसको ले गए थे वहाँ जहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती है, क्योंकि वहाँ पर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू पीछे रह गई थी, तो वो बाबू के लिए रुक गया था, और जैसे ही बाबू आ गई वो चलने लगा था। और हस्बैंड जो है अपना मोबाइल उठाने के लिए चले गए थे तो वो फिर से रोने लगा था। उसको सब चाहिए, उसको दीदी भी चाहिए, पापा भी चाहिए, कोई भी पीछे रह ना जाए, सबके साथ ही वो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हस्बैंड उसे गाड़ी के पास लेकर आए, वो तुरंत आकर जो है गाड़ी का गेट खोलने लगा था, क्योंकि उसे गाड़ी में बैठना था। उसे गाड़ी में बैठना इतना पसंद है ना, कि कितना भी वो रो रहा हो और कितना भी परेशान कर रहा हो, उसे गाड़ी में बिठा दो एकदम से चुप हो जाता है, फिर मजाल है जो बिल्कुल भी रो जाए। तो यहाँ पर बस वो यही सोच रहा था कि कब जो है ये लोग गेट खोलें और कब जो मैं अंदर जाकर बैठूं। आप देख सकते हैं वो पूरी कोशिश कर रहा है गेट को खोलने की, लेकिन लॉक लगा हुआ था इसलिए वो नहीं खोल पा रहा था। आप देख सकते हैं उसका मुंह। और यहाँ पर जो है हस्बैंड ने उसे गाड़ी के ऊपर बिठा दिया था, तो अब वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, उसे थोड़ा सा खेल रहा था। और यहाँ पर जो है कई बार हमने कोशिश की उसके जो है मुकुट लगाने की, लेकिन जैसे ही उसके मुकुट लगाते थे तो वो जो है एकदम से रोने लगता था, तो मुकुट भी उसने नहीं लगाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड उसके जो है मुकुट लगा रहे हैं, तो जैसे तैसे उसके लगा भी दिया था, और आप देख सकते हैं वो एकदम से कितना रोने लगा है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वैसे भी छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जितना उनके कंफर्टेबल कपड़े पहनाओ उतना ही वो हंसते खेलते हैं, वरना वो ऐसे ही रोते रहते हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर हस्बैंड ने जो है उसका मुकुट जो है वो हटा दिया था, और इसी वजह से फिर जो है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। जब बच्चा रो रहा है, परेशान है, तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने के चक्कर में जो है बच्चे को परेशान करो। तो फिर मैंने उसका मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया था,
और कपड़े भी मैंने जो है यहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद ही कपड़े उतार दिए थे, और फिर वो बनियान और कच्चे में ही जो है आराम से घूम रहा था, फिर काफ़ी खेला था जैसे ही उसके कपड़े उतार दिए थे। तो यहाँ से अब जो है हम घर की तरफ चल दिए हैं, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं घर पर, और ये जो मैंने प्रसाद की खीर है ये बनाकर रख दी है, और साथ में ही जो है हमने पंजीरी है वो भी बनाकर रख दी है, और अब मुझे माखन निकालना है और साथ में जो है पंचामृत बनाना है, तो बस हम अब वो बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है आकर अभी रोने लगा था, तो अभी को मैंने फिर से जो है दूध दे दिया है, और दूध देकर उसको लेटा दिया है, और जैसे ही वो दूध पी लेगा मैं उसके जो कपड़े हैं वो उतार दूँगी, और उसके बाद जो है फिर अपने काम में लगूँगी, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है इन कपड़ों में, तो फिर क्या फ़ायदा बच्चे को परेशान करो। तो बस यही है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है रूम पर आ चुके हैं, और आज पता नहीं क्यों अभी बिल्कुल भी जो है खेल नहीं रहा है, उसे कपड़े पहना दिए तब से वो रो ही जा रहा है, तो उतना अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाए जैसा कि सोचा था। उसको खाना बनाएंगे, अच्छे से उसे रेडी करेंगे, और थोड़ा बहुत उसका जो है मेकअप वगैरह भी करते, तिलक वगैरह लगाते, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है नहीं खेल रहा है, रो रहा है, पता नहीं क्यों, या तो वो इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं है, या फिर तुरंत सोकर उठाता इस वजह से, तो पता नहीं, देखते हैं थोड़ी बहुत देर अगर खेलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कपड़े जो है हम उतार देंगे। और मैंने जो है पंजीरी और खीर बनाकर रख दी है जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया, और अब जो है टाइम भी हो गया है, 7 बज गए हैं, तो अब जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी हम बना लेते हैं, और उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है। तो यहीं पर करेंगे इस ब्लॉग का एंड। आशा करूंगी कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय कर दो खाना जी, बाय कर दो भैया, बाय कर दो, बाय कर दो।